सेंट्रल एसी का पैनल बोर्ड, सेंट्रल एसी कंप्रेसर, कंप्रेसर वन एंड कंप्रेसर टू, और उसके पीछे ही हाइड्रोफोर है अपना फ्रेश वाटर के लिए। ये अपना हॉट वाटर सर्कुलेटिंग पंप, हॉट वाटर सर्कुलेटिंग पंप का पैनल बोर्ड, एंड ये पाइपलाइंस है सारी अपना सी वाटर की, फ्रेश वाटर की, फ्यूल ऑयल की। ये अपना फ्रेश वाटर कूलर, एंड ये लाइन उसकी सी वाटर लाइन, सर्विस टैंक जहाँ पे हम सर्वे वो फ्यूल भरते हैं अपना मेन इंजन के लिए, ये लूब ऑयल कूलर, और ये सामने अपना हार्बर जनरेटर, और साइड में अपना क्लच फिल्टर, एंड ये क्लच क्लच पॉइंट अपना, एंड ये हार्बर जनरेटर, ये हार्बर जनरेटर का एग्जॉस्ट, और ये शाफ्ट है मेन इंजन का, ये स्टारबोर्ड साइड जनरेटर, मेन जनरेटर जो हमारा जनरली यूज होता है मूवमेंट्स वगैरह में, और ये क्लच का पॉइंट, ये अपना मेन इंजन है, मेन इंजन सिक्स सिलेंडर, ये अपना प्राइमिंग पंप, प्राइमिंग पंप, और ये OWS ऑयली वाटर सेपरेटर जो जनरली यूज करते हैं अपना ऑयल और वाटर को अपना अलग करने के लिए 15 PPM से बाहर भेजने के लिए, जो ऑयल पोल्यूशन ना फैले। ये अपना पोर्ट साइड का मेन जनरेटर, मेनली हम दो जनरेटर ही यूज़ करते हैं अपना, नंबर वन एंड नंबर टू, पोर्ट साइड एंड स्टारबोर्ड साइड। ये OWS अपना ऑयली वाटर सेपरेटर, ये स्टारबोर्ड पोर्ट साइड का क्लच यूनिट, पोर्ट साइड का ये एयर कंप्रेसर मोटर एंड एयर बोटल विद, ये लूब ऑयल लाइन्स है अपने मेन इंजन की, क्लच यूनिट पोर्ट साइड की, ये पोर्ट साइड का जनरेटर है, ये सिलेंडर हेड, ये पोर्ट साइड का अपना एग्जॉस्ट का मेन इंजन का, ये निगाटा कंपनी का है अपना, जापानीज मेड है, जापान का मेड है निगाटा का। ये पोर्ट साइड का फ्रेश वाटर कूलर, एंड इसके नीचे लूब ऑयल कूलर है, और ये अपना क्लच फिल्टर है, लूब ऑयल क्लच फिल्टर, ये लूब ऑयल लाइन है सारी की सारी। ये एयर बोटल है, और इसके साथ में ही नीचे अपना एयर कंप्रेसर का मोटर्स रखी हुई है, पोर्ट साइड का सर्विस टैंक है इस साइड, जो मेनली यूज किया जाता है अपना जो भी मशीनरीज होती है उसको फ्यूल देने के लिए, और ये STP है, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। और ये सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की लाइन है सारी की सारी। ये अपना ब्रिज का AC की यूनिट है, ब्रिज AC यूनिट, ब्रिज और सेंट्रल के लिए अलग अलग है, अपना ECR का भी अलग है AC, ये इसकी STP की और बिल्ड लाइन है सारी की सारी, मतलब मिक्स है, अब ऐसे आपको पता नहीं चलेगा। ये फीफी की लाइन है, ये जो रेड कलर की है अपना फीफी फायर फाइटिंग, ये अब हम जेड पिलर रूम में जा रहे हैं, जेड पिलर रूम में अलग मशीनरीज है अपनी, ये जेड पिलर रूम से अपना मेन इंजन अपना सारा ऐसे दिखता है इंजन रूम, यहाँ पे सारी मशीनरीज दिखेगी आपको, जनरेटर, मेन इंजन, ये अपना एक्युमुलेटर फॉरवर्ड साइड का विंच का एक्युमुलेटर है, और ये आफ्ट साइड का विंच का एक्युमुलेटर है, एक्युमुलेटर यूनिट है, ये ब्लोअर है ऊपर,
जेड पिलर के लिए अलग से ब्लोअर पैनल दे रखा है, और ये अपना यूनिवर्सल कपलिंग है, ये अपना शाफ्ट है सारा, और पीछे जेड पिलर अपना यूनिट है सारी, पीछे ये सारा कुछ स्टोर रूम रखा हुआ है अपना सामान जो भी स्पेयर्स है। ये हाइड्रोलिक क्लच हाइड्रोलिक टैंक है, ये अपना हाइड्रोलिक टैंक है, जैसे कि लूब ऑयल वगैरह अपना इसके अंदर स्टोर रखते हैं हम। अभी हमने इसके अंदर 46 रख रखा है, हाइड्रोलिक 46 अगर यूज़ करना हो तो। और ये पीछे छोटा सा अपना इमरजेंसी स्टेयरिंग की मोटर रखी हुई है, और ये विंच का पैनल बोर्ड है पूरा, विंच को ऑपरेट करने के लिए यहीं से ऑन ऑफ करना पड़ता है। यहाँ पे सारे अलार्म दिखाता है, और ये अपना जेड पिलर रूम का अलग से पैनल बोर्ड है ब्लोअर का जो आपको बताया था अभी, और ये हाइड्रोलिक टैंक है स्टारबोर्ड साइड का, स्टारबोर्ड साइड की यूनिट है वो आपको अभी पोर्ट साइड की यूनिट दिखाई थी, और यहीं पे पीछे अपना इमरजेंसी फायर पंप भी रखा हुआ है ये। हाँ जी, ये इमरजेंसी फायर पंप है, यहाँ पे भी सेम ही है, बस यहाँ पे अपना ये विंच की मोटर दे रखी है स्टारबोर्ड विंच की मोटर आफ्ट एंड फॉरवर्ड की, ये शाफ्ट है, ये अपने जेड पिलर फिल्टर है, लूब ऑयल फिल्टर, ये मैग्नेटिक फिल्टर होते हैं अपने जेड पिलर रूम में जो होते हैं, क्योंकि बहुत थिक ऑयल होता है, फाइन वो होता है इसलिए फिल्टर होता है। ये अपना क्रेन की मोटर थी, ये अपना हैच है इमरजेंसी एग्जिट, ये अब हम पोर्ट स्टारबोर्ड साइड से बाहर निकल रहे हैं जेड पिलर रूम में, स्टारबोर्ड साइड से ऐसा व्यू है इसका अपने।